नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में टीकाकरण का लक्ष्य पाना है बहुत मुश्किल। बारिश के कारण 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। टीकाकरण के मामले में पटना ने हासिल की यह बड़ी उपलब्धि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की सरकार गिरने की भविष्यवाणी। पटना एम्स के पास खुला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की शाम की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बारिश के कारण 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के कई जिलों में बीते दिन डरावना मौसम देखने को मिला, जिसके बाद जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था वही सही निकला। बारिश के कारण राजधानी पटना पूरी तरीके से जलमग्न नजर आई। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश के आसार है। इस बाबत मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया जिले का नाम शामिल है। इसके साथ ही खबर लिखे जाने तक मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें नवादा के मिसकौर प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के 2, अलग अलग गांव के 2, जबकि गोपालगंज, सारण, सिवान, गया और रोहतास में एक एक व्यक्ति की पुष्टि हुई है। टीकाकरण के मामले में पटना ने हासिल की यह बड़ी उपलब्धि। इन दिनों बिहार समेत पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं टीकाकरण की जारी प्रक्रिया के बीच राजधानी पटना ने अपने नाम नया कीर्तिमान दर्ज किया है, जिसके तहत राजधानी पटना टीकाकरण में देश के टॉप 8 जिलों में शामिल हो गया है। इसको लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को बधाइयां भी मिलने लगी है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने भी अधिकारियों एवं कर्मियों की कर्तव्य परायणता एवं टीम भावना की सराहना करते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित स्थान से हम सबों को दोगुने उत्साह, उमंग, जुनून और जज्बे के साथ काम करने और सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं सरकारी आंकड़ों को देखें तो राजधानी पटना में खबर लिखे जाने तक कुल मिलाकर 16,24,394 लोगों को टीका देने का काम किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की सरकार गिरने की भविष्यवाणी। बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच बिहार सरकार को लेकर समय समय पर विपक्षी दलों की बयानबाजी आती रही है। इतना ही नहीं, समय समय पर विपक्षी दलों ने सरकार गिरने की अपील भी की। इसी क्रम में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की है, जिसके तहत राघोपुर के लंका टोला में ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सरकार 2-3 महीने में गिरने जा रही है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह बयान कैमरे में कैद हो गया है। दरअसल लंबे समय बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे, जहां पहुंचने के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने कई समस्या को लेकर उनसे शिकायत की। 28 जून से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का किया गया विस्तार। 28 जून से एक बार फिर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का विस्तार कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 03242 राजेंद्र नगर टर्मिनल से बांका स्पेशल ट्रेन 28 जून से अगले आदेश तक बिहार से चलेगी। ट्रेन संख्या 03241 बांका से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन 29 जून से चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 05231 बरौनी से गोंदिया 27 जून से अगले आदेश तक प्रतिदिन बरौनी जंक्शन से खुलेगी। वहीं 05232 गोंदिया से बरौनी एक्सप्रेस 28 जून से प्रतिदिन गोंदिया से खुलेगी। गाड़ी संख्या 09272, 09271, 02913, 02914, 09313, 09314, 09321, 09322 और 09452 का विस्तार किया गया है। पथ निर्माण विभाग में 19 कार्यपालक अभियंता का हुआ तबादला। इन दिनों बिहार में तबादले का सिलसिला जोर शोर से जारी है, जिसके तहत हर दिन नए तबादलों की खबरें भी सामने आती रही है। इसी क्रम में बीते दिन पथ निर्माण विभाग में 19 कार्यपालक अभियंता का तबादला कर दिया गया, जिसके तहत जमुई पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता शशि भूषण सहाय को नई राजधानी पथ प्रमंडल पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके साथ ही तबादलों की सूची में श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव, श्री अजय कुमार आजाद, संजय शर्मा, अरविंद कुमार सिंह, श्री उदय शंकर पांडे, धर्मेंद्र किशोर, मधुरेंद्र कुमार, विजय कुमार, प्रिय रंजन केशव, सुशील कुमार, मृदुला नारायण सिन्हा, राम कुमार यादव, सुधीर कुमार सिंह, योगेंद्र प्रसाद सिंह, पवन कुमार सिंह, शैलेंद्र भारती, अरुण कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह का नाम शामिल है। चंद घंटों की बारिश में खुली पटना नगर निगम की पोल। साल 2019 का मंजर हर पटनावासी को याद होगा, जब बेमौसम बरसात के बीच राजधानी पटना की पोल खुल गई थी। हालांकि सरकार उस वाकये के बाद से लगातार यह दावा करती आई है कि बारिश के दौरान पानी निकासी को लेकर सरकार ने कई इंतजाम किए हैं, लेकिन बीती रात राजधानी पटना में चंद घंटों की हुई बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई है। आलम यह रहा कि बारिश के कारण बिहार विधानमंडल परिसर में पानी घुस गया। शुक्रवार रात हुई बारिश से राजधानी के कंकड़बाग के रेंटल फ्लैट, विकर सेक्शन, अशोक नगर और पंच मंदिर के आसपास के इलाके, राजीव नगर और राजेंद्र नगर, दीघा के अधिकांश हिस्सों में जलजमाव है। इतना ही नहीं, पाटलिपुत्र कॉलोनी की सड़कों पर पानी लगा है। राजधानी पटना के अलावा ज्यादातर जिलों में भी जलजमाव की स्थिति है। समस्तीपुर के सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हुए निलंबित। बीते दिन समस्तीपुर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया। बाद उन्हें
सदर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह को उपाधीक्षक का प्रभार सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हेमंत कुमार सिंह पर सोशल मीडिया पर कोरोना काल में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। इस संबंध में बिहार सरकार के संयुक्त सचिव रामेश्वर की तरफ से शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। बिहार में टीकाकरण का लक्ष्य पाना है बहुत मुश्किल। बिहार में टीकाकरण का लक्ष्य पाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारों की माने तो बिहार में टीकाकरण के तय लक्ष्य 6 महीने में 6 करोड़ डोज को हासिल करने का लक्ष्य पाने के लिए स्टॉक में हर वक्त स्वास्थ्य विभाग के पास लगभग 25 लाख डोज होना अनिवार्य है। पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो तो राज्य में एक दिन में 10 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा सकता है। महाअभियान के दिन 7 लाख से अधिक डोज इसीलिए दिए जा सके क्योंकि स्टॉक में टीके थे। आंकड़ों के अनुसार 21 जून के बाद 22 जून को 3.25 लाख डोज दिए गए, 23 जून को 2,63,000, 24 जून की रात तक वैक्सीनेशन की संख्या 2,13,000 पर पहुंच गई। पटना एम्स के पास खुला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। पटना एम्स के नजदीक छेदी टोला में खुला प्रधानमंत्री भारत जन औषधि केंद्र राजकुमारी देवी के नाम पर संचालित हो रहा है। इस जन औषधि केंद्र के रुकने से स्थानीय लोगों के साथ ही एम्स के मरीजों को भी जरूरी दवाओं को सहज और सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि जन औषधि केंद्रों ने सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया है। जन औषधि केंद्र खोलने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन केंद्रों में स्थानीय लोगों को कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कोरोना काल में बिहार के बैंकों का एनपीए 3% तक हुआ कम। राज्य में कोरोना काल की 1 साल की अवधि के दौरान बैंकों का एनपीए घटने की बात सामने आई है। खबरों की माने तो एनपीए में 3% की कमी आई है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 तक बैंकों का एनपीए 14.92% था, जो मार्च 2021 में कम होकर 11.85% हो गया। इसमें भी अब 3.07% की कमी देखने को मिली है। मार्च 2020 की तुलना उसी साल के दिसंबर से की जाए तो यह घटकर 10.22% तक पहुंच गया, यानी 2020 के मार्च के मुकाबले दिसंबर में इसमें 4.70% की कमी आई है। परंतु मार्च 2021 तक इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और यह 11.85% पर पहुंच गया है। पैन आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा में हुआ विस्तार। आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय में हमारे लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है। वहीं हाल ही में सरकार ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी लोगों से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अपील की थी। हालांकि अब तक जिन लोगों ने यह काम नहीं किया है उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब सरकार ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करने के समय सीमा में विस्तार कर दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने इसे अब 3 महीने यानी कि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया है। 30 सितंबर तक अब कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करा सकेगा। जिन लोगों ने अब तक इसे लिंक नहीं कराया है उनके लिए सरकार का यह कदम राहत देने वाला है। अब घर बैठे ही इंटरनेट की मदद से इसे आसानी से लिंक किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें पहले इसकी डेडलाइन 30 जून तक तय की गई थी। बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन नहीं होने पर हाईकोर्ट दिखी नाराज। हाल ही में पटना म्यूनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के गठन का आदेश पटना हाईकोर्ट ने जारी किया था। हालांकि 4 साल से खाली पड़े इस ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद गठित करने की कोई पेशकश नहीं की गई, जिसको लेकर अब पटना हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है, जिसके तहत सीएस सिंह ने सुरेश प्रसाद भरतिया की रिट याचिका पर सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें हाईकोर्ट ने 1 महीने की अवधि में बिहार नगर पालिका कानून के तहत अवैध निर्माण और कार्रवाइयों पर सुनवाई करने वाली बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से बताया गया कि मामला फाइलों में है और अंतिम चरण में है, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होने वाली है। तेजस्वी ने चिराग की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। जब से लोजपा में चाचा भतीजे की लड़ाई शुरू हुई है बाहरी दलों की दिलचस्पी पार्टी के दोनों गुट में देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मौके की नजाकत को समझते हुए राजद भी लगातार पारिवारिक कलह के बीच भाईचारा दिखाने की कोशिश में नजर आ रही है। इसी क्रम में राजद की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोजपा के चिराग पासवान के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत राजद 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में उनकी फोटो पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता माल्यार्पण करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन राजद का स्थापना दिवस भी है, तो उससे संबंधित कार्यक्रम उसके बाद होंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्लब की तरफ से क्रिकेट खेल सकते हैं युवराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके युवराज सिंह अब एक बार फिर से मैदान में नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के सिक्सर किंग युवराज सिंह के साथ क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स के क्लब क्रिकेट में खेलने की संभावना है। मेलबर्न के एक क्रिकेट क्लब की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार क्रिस गेल और युवराज सिंह जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी उनकी तरफ से T20 टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। क्लब का कहना है कि इन खिलाड़ियों की 85
से 90% खेलने की संभावना है और क्लब ब्रायन लारा से भी बात कर रहा है। आपको बता दें, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दौरान दिलशान ने मार्च 2021 में कुछ खिलाड़ियों से क्लब के साथ जुड़ने की बात कही थी, जिसमें युवराज सिंह, ब्रायन लारा, वीरेंद्र सहवाग और केविन पीटरसन जैसे नाम शामिल हैं। देश में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे, लेकिन संक्रमण के नए रूप डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं ब्लैक फंगस का खतरा भी अभी भी कायम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 48,698 केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 64,818 मरीज ठीक हुए हैं और 1,183 मरीजों की मौत भी हुई है। अभी देश में कोरोना के 5,95,565 एक्टिव केस है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक इसके 51 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 2 मरीजों की जान गई है, जबकि ताजा मामला महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है, जहां 1 व्यक्ति की जान चली गई है। अभी देश के 8 राज्यों में खतरा सबसे अधिक है, जिन्हें केंद्र सरकार ने अलर्ट रहने को कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से जल निकासी की समस्या का समाधान किया गया है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।